अभी तुरंत हम लोग मार्च करेंगे उस जगह पे। आप लोग सभी अपना जो इक्विपमेंट है, टूल है, अपना आईपीजी गियर है, वो सभी लोड करके गाड़ी में बैठ जाएंगे। हर व्यक्ति जो भी आता है, वो चाहे रेस्क्यूअर हो और चाहे विक्टिम हो, वो प्रॉपर सारे 9 स्टेजेस जो उधर प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके ही आएंगे। ठीक है, ठीक है। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है और जो यहाँ सोर्स डिटेक्शन टीम है वो एडवांस सोर्स डिटेक्शन टीम। हाँ, सेफ्टी अफसर, ओके एडवांस सेफ्टी अफसर, विंड डायरेक्शन चेक कर लो, विंड डायरेक्शन चेक कर लो। हाँ, डी कॉन टीम एडवांस, जो अपने प्रोसेस है उसको चेक कर लो, अपने सारे स्टेज को उसी स्टेज के पास रहना, और जो कार्रवाई क्या होगी? मारा ना माला पैदल पूरे दो आदमी तो झाड़ू सीबीआर ने इमरजेंसी के दौरान अगर कहीं पर रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी होती है तो
उसके लिए किस प्रकार से रेस्पॉन्ड किया जाता है, इस बारे में न्यू कमर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पर। ये 9 स्टेप्स हैं, पर्सनल डिकंटामिनेशन स्टेप। यहाँ पर CBRN कोर्स के अंदर RDD डेमो का प्रैक्टिस जवानों को सिखाया जा रहा है, जिसका एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर सोर्स रिकवरी टीम के द्वारा सोर्स को रिकवर कर लिया गया है और अभी दोबारा से डिटेक्शन टीम से कुछ सदस्य जो हैं एरिया डिकंटामिनेशन की कार्रवाई करने के लिए और रिमॉनिटरिंग कार्रवाई करने के लिए ग्राउंड में अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं इनके साथ में, अल्सिन मॉनिटर, टेलीरोड, माइक्रोआर सर्वे मीटर। ये स्टेशन का नाम कुआ है, कंटामिनेटेड यूनिट वेटिंग एरिया, जहाँ पर जो भी कंटामिनेटेड पर्सन हैं या जो लोग उस क्षेत्र से होकर के आए हैं, वो डिकंटामिनेशन के लिए अपनी बारी का इंतज़ार इस जगह पर आकर करते हैं। इक्विपमेंट्स को एक जगह पर ड्रॉप करते हैं, उसके बाद डिकंटामिनेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पर्सनल डिकंटामिनेशन स्टेशन के 9 स्टेप्स में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और पर्सनल गियर ड्रॉप फर्स्ट स्टेशन पे होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में शफल पिट, जहाँ पे शफलिंग के द्वारा रेस्क्यूअर्स या सिविलियन उसको डिकोन करने की कार्रवाई की जाती है। PDK का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। उसके नेक्स्ट जो स्टेशन है क्लोथिंग रिमूवल, यहाँ पर स्मोक ट्राउज़र ये सभी क्लोथिंग को रिमूव किया जाता है।